इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अर्ध आयुकाल क्या है। अर्ध आयुकाल मतलब होता है कि अभिकारक की आधी सांद्रता, ध्यान सुनेंगे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा पूरा हो जाने पर जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्ध आयुकाल। अगर अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसको हम ए माने तो इसका जो है जो अर्ध आयुकाल निकलेगा वो बताएंगे ए बाई टू, क्योंकि अभिकारक की आधी सांद्रता को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल। तो आइए डिस्कस करते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम मान लेते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, टी समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, ए थी। उसके बाद जो है क्या हुआ कि आधा समय लगा तो अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, ए बाई टू हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में सांद्रता ए थी लेकिन आधा समय खर्चा हुआ तो सांद्रता भी कितना हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर हमको अभी समाकलित वेग समीकरण पता चला था तो के बराबर आता है 2.303 बटे कितना होता है टी लॉग बेस 10 और यहाँ पर ए बटे ए माइनस एक्स। तो अब ये टी समय पर ए माइनस एक्स था, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे हम, अगर अर्ध आयुकाल निकालेंगे तो टी वन बाई टू बराबर क्या मानेंगे, 2.303 टी इधर लेके गए थे तो यहाँ बन जाएगा के और यहाँ पर लॉग बेस 10 हो जाएगा और यहाँ पे आधा समय लगा है तो प्रारंभिक सांद्रता उतना ही रहेगी लेकिन टी हाफ समय पर सांद्रता टी वन बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल कर देंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में यह मिलेगा कि टी वन बाई टू बराबर आपको 2.303 बटे के और यहाँ लॉग बेस 10 की पावर 2 यही मिलेगी, लॉग बेस 10 की पावर 2। तो लॉग 2 की मान कितना होता है, तो टी हाफ बराबर या अर्ध आयुकाल बराबर 2.303 बटे के, 2 का मान होता है 0.3010, लाख 2 का मान होता है, जब लाख 2 का मान ऊपर वाले से गुणा होगा तो आपको मिलेगा टी वन बाई टू बराबर 0.693 बटे के। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा और प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का मान है 0.693 बटे के। क्या है, वेग स्थिरांक है। टी हाफ क्या है, अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल है। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा हो जाने पर जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल। अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल गणना कैसे करेंगे, तो समाकलित वेग समीकरण में अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल गणना करेंगे तो टी हाफ बराबर आप रखेंगे ए बटे ए बाई टू, क्योंकि आधा समय लगा तो अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधा तो आधा की है तो यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ लॉग टू मान आया, लॉग टू का मान रखेंगे तो हमको मिलेगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।